जनपद मुजफ्फरनगर के मंजूरपुर से है, जहां पर खेत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग 3 दिन से लगी थी, लेकिन आज आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आसपास के पेड़ों को भी आग से काफी नुकसान पहुंचा है। बराबर में फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि आग का लगने का कारण क्या था। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। NH-58 धौलपुर के बराबर में लगी भीषण आग, यह आग करीब 3 दिन से लगी है। आज आग ने भयंकर रूप ले लिया, जिसमें किसानों के गेहूं की फसल भी जल गई, जिसमें फैक्ट्री के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से आसपास के पेड़ भी जल गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे SDM इंद्रकांत द्विवेदी। आग बुझाने को लेकर संभव प्रयास किए गए। आग लगने के कारणों को अभी तक नहीं पता चल पाया। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। आप मौके पर किस जगह हो? मैं अपने DLS पेपर मिल के यार्ड में खड़ा हूँ। ये आग कब से लगी हुई है? ये आग यहाँ पे कल से मुझे दिखाई दी थी, और कल से ही हमने इसको बुझाने का प्रयास किया है। और जो पेपर मिल के हमारे बगल में जितने भी झाड़ झुंड है, वो हमने सबको कटवा के और यहाँ पे सब पानी का बिखराव कर रहे हैं। और आज आग ने विकराल रूप ले लिया है। हमारी पूरी टीम आग बुझाने में लगी हुई है, और हमने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी है। और आग विकराल रूप लेती जा रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और इस आग को जल्दी से जल्दी बुझवाए, जिससे किसी के माल धन माल की हानि होने से बचा जा सके।